एक बात बताओ आप, लेकिन कृष्ण जी को जानते हो ना, सबसे ज्यादा प्यार किन से करते थे वो? राधा। शादी हुआ उनसे? मेरे साथ चल, शादी कर। समझ में नहीं आ रहा क्या? क्यों नहीं मान रहे हो यार? और क्या क्या रट लगा रखा है बच्चे का? क्या रट लगा रखा है? 18 साल का हूँ, 18 साल में कितने बच्चे पैदा कर दूंगा मैं। तुम चलो, मैं चलो कहाँ ले जा रहे हो यार? मुझे नहीं करनी तुमसे शादी राहुल। तो हाँ जी, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल प्रकाश वाद एंटरटेन। दोस्तों, प्रकाश है मेरे भैया है, इसका नाम अंजलि है। तो कल रात में इंस्टा के माध्यम से बात हुआ, तो बहुत सारा चीज़ हमसे बात की और बताई भी। तो अंजलि, जो हमको तुम रात में बताई ना, मैंने कैमरा लगा दिया, जो भी बात है तुम खुल के बता, परेशान होने की कोई बात नहीं है। क्योंकि जो तुम बात बता रही हो सबको होता है, क्योंकि एक ऐसा उम्र आता है, उम्र का पड़ाव आता है, उस उम्र में आदमी से गलती हो जाता है। लेकिन तुमसे गलती हुआ, तुम मान भी रहे हो कि हमसे गलती हुआ है। एक बार बताओ भगवान स्वरूप हमारे श्रोता को कि क्या तुमसे गलती हुआ? एक राहुल नाम का लड़का है, जिसे मैं, जैसे कि मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ, वहाँ वर्क करती हूँ। तो उससे बात, जब उसका कॉल आता है वहाँ पे, उसका बात करना मुझे अच्छा लगा। तो मुझसे सबसे बड़ी वो गलती हुई कि मैंने उसका नंबर निकाल लिया। क्या चीज़ से? मैंने क्या चीज़ के लिए? कॉल सेंटर में तो आदमी नंबर मिलता नहीं है। नहीं, वहाँ पे उन लोगों का नंबर शो होता है। कॉल सेंटर में आप क्या काम करते हो? मेरा वहाँ पे पेटीएम प्रोसेस है। अच्छा। वहाँ पे किसी के पेटीएम में कोई प्रॉब्लम आती है, वो कॉल करते हैं हमें। तो उसने कॉल किया, तो मैंने, सबसे बड़ी मेरी गलती, मैंने उसका नंबर निकाल लिया। उस चीज़ के लिए मैं अभी बहुत पछता रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करूं? मैंने खुद उसका नंबर निकाल के उसको कॉल किया और बातचीत बढ़ी आगे। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लेवल का नहीं है। लेवल का नहीं है मतलब? लेवल का मतलब मेरे बराबरी का नहीं है वो। मतलब वो छोटा लड़का है। क्या बातचीत अब की है कि अब ऐसे हमारी बातचीत बढ़ी? मुझे उससे प्यार हुआ, उससे मुझसे प्यार हुआ। अब वो लड़का मुझसे शादी करने के लिए भी बोलता है। तो उसको ते सब काम में आप ही ना लाई, नंबर आप निकाली, बात करने का जो प्रोसेस होता है आपने चालू किया, जो भी प्यार मोहब्बत होता है उसको आपने सिखाया। तो गलती कहीं ना कहीं तो आपका है ना इसमें? मेरी गलती है, मैं मानती हूँ उसकी नहीं है, लेकिन मैं गलती मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे अब पता चला बहुत छोटा है मुझसे, उसकी और मेरी कहीं भी नहीं बन सकती। उसको मैं बहुत नहीं समझ रहा है वो, मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। वो बोलता है कि अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगी तो वो अपनी जान दे देगा, मर जाएगा और मुझे फंसा देगा। या तो तू मेरी है या तो किसी की नहीं हो सकती। यानी कि तुमसे उम्र में छोटा है कि क्लास वाला? हाँ, मुझसे उम्र में भी छोटा है और बहुत छोटा है वो। वो अभी 11वीं में है बस। अच्छा, तुम क्या पढ़ाई तुम्हारी? मेरी पढ़ाई हो गई है, जॉब करती हूँ। आपने उनके गार्जियन से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं किया? नहीं, मेरी बस उससे ही बात होती थी। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा। और भैया, एक और बात है, मैं उसके घर वालों से कैसे बात करूँ? यहाँ गलती भी मेरी है ना, वो और पता नहीं क्या सोचेंगे। और ऊपर से उसके पापा प्रोफेसर भी है, पता नहीं क्या कर दे मेरे साथ और उसके साथ भी, कि इतने कम उम्र में ये सब कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। लेकिन कुछ भी हो, आपको उसके गार्जियन से कांटेक्ट करना ज़रूरी मानता है, ठीक है ना? आपको उनसे बात करना चाहिए। अगर मान लो बच्चा है, वाकई में कुछ कर लिया और कहीं कोई सुसाइड नोट में आपका नाम दे दिया, तब तो आप फंस जाओगे, कहीं का नहीं रहोगे। तो आप एक बार उसके परिवार से तब बात करना चाहिए, करना चाहिए आप। लेकिन कोई बात नहीं, आप एक बार यहाँ पे सुनिए, एक बात, एक काम कीजिए आप, एक बार यहाँ पे उसको बुलाइए, ठीक है? मैं रिकॉर्ड करूंगा हर चीज़, उसके पापा को हम लोग चल कर दिखाएंगे। दोस्तों, जैसे बता रही है, आप लोगों को समझ में भी आया होगा क्या बताना चाह रही है। एक कॉल सेंटर में काम करती है और किसी लड़के से प्यार कर बैठी, नंबर निकल, देखो रोने वाली कोई बात नहीं है ना, हम समझा रहे हैं ना। जिस काम के लिए तुम हमको बुलाई हो, तुम्हारा हम काम करेंगे। और लड़का जो है वो 11th में पढ़ता है, उसके पापा प्रोफेसर हैं।
लेकिन अभी छोटा है, इसका पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है, ये जॉब भी करती है, तो इसको लगा कि मतलब है कि इनके उम्र काफी ज्यादा हो चुका है, उसका बहुत कम है, दोनों का उम्र में काफी डिफरेंस है, मैच नहीं करता, इसलिए ये अब ये उसको इग्नोर करना चाहती है, यही बात है ना, क्या कि ये अच्छा मान नहीं रहा, ये अपने जगह बिल्कुल सही है, हमारे नजर में गलती हुआ, लेकिन उस गलती का पछतावा भी कर रही है, क्या कि अभी अगर ये शादी कर लेती उससे तो उस लड़के का जिंदगी खराब हो जाएगा, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, जो उसके मम्मी पापा उससे सपने देखे होंगे वो सब बर्बाद हो सकता है। तो तुम्हारा बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम भी गलत हो, कहीं ना कहीं वो लड़का अगर खराब हुआ है तो तुम्हारे वजह से हुआ है। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, तो कोई ना कोई, लेकिन उसको... मैं उसको सुधारना चाहती हूँ भैया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है, वो बोलता है मैं मर जाऊंगा तेरे बिना, तू बस मेरी है, वो नहीं मान रहा है। सारा चीज भैया दिल्ली का ही है, जैसे कल रात में इंस्टा के माध्यम से बता रही थी, कहीं हॉस्टल में रह के वो अपना पढ़ाई करता है, और पापा उसके यहीं के प्रोफेसर भी हैं दिल्ली के, तो जो भी होगा उसको एक बार बुलाओ, उसको कोई ना कोई बहाना देकर बुलाओ बात उत करने के लिए, जो भी जिस तरीका से बात करते हो, क्योंकि जब यहाँ पे आएगा ना हम लोग कुछ उसका रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, तो उससे उसके पापा को हम लोग डायरेक्ट दिखा सकते हैं कि हमसे मान तो जाएगा ना, मानेगा, हम लोग कोशिश करेंगे, देख कोशिश करने से हर चीज संभव हो सकता है, देखो अब रोने से भी तो जिंदगी हार नहीं होती है, ठीक है ना, अब ऐसे भी मान लो अगर कुछ कर लेगा तो तुम्हारा ही नाम आएगा, तो इससे बेटर उसको बुलाओ एक बार समझाते हैं, नहीं मानेगा तो ये वीडियो फुटेज जो है उसको गार्जियन को दिखाएंगे कि ऐसा ऐसा बात है, आपका लड़का खुद आपको टॉर्चर कर रहा है, गलती हुआ एक आदमी से हुआ तो इसका मतलब है थोड़ी ना कि अब स्टेप बाई स्टेप हर कोई गलती ही करता जाएगा, मुझसे गलती हो गई मैं मानती हूँ, लेकिन मैं सुधारना चाहती हूँ, सुधरेगा जरूर, एक टाइम तो दो, क्योंकि एक गलती भगवान भी माफ कर देते हैं, वही तुमसे हुआ, एक बार कॉल करो उनको, बुला हुआ, बाकी सब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। हेलो बाबू आप कहाँ हो? मैं हॉस्टल में था, क्या हुआ? मैं ना गार्डन आई हुई हूँ, आप आओगे? कौन से गार्डन में आप? मैं लोकेशन मैं आपको लोकेशन भेजती हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है? आप अभी आप उधर ही बैठे हो? हाँ मैं यही बैठी हूँ, मैंने सोचा आपसे मिल लेती हूँ आज, आप आओगे ना? मैं आ रहा हूँ, आप लोकेशन सेंड कर दो, मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं व्हाट्सएप पे आपको लोकेशन सेंड कर रही हूँ, जल्दी आ जाना, ठीक है? देखो एक बार आने दो, ये फोन है ना अपने हाथ में रख रहे, माइक तो है नहीं, तो सारा आवाज इस फोन से रिकॉर्ड करेंगे, उसको लगेगा भी नहीं कि तुम्हारे पास कुछ कोई चीज़ है रिकॉर्ड, तो फोन नहीं आएगा तो उसको भरोसा भी नहीं होगा, ये फोन पड़ेगा तुम ना फोन हमको दे दो, सारा चीज़ इसमें रिकॉर्ड होगा, यहाँ पे कैमरा भी छुपा के हम लगाए, माइक इसलिए नहीं लाया कि कोई माइक देख के वो भग जाए, ठीक है? एक फ़ोन से रिकॉर्ड करोगे तो उसको पता भी नहीं लगेगा, डरने वाली इसमें कोई सी बात नहीं, हम तुम्हारे पीछे तुम्हारे सपोर्ट में खड़े हैं, खाली थोड़ा उसका सबूत प्रूफ जो होता है ना रिकॉर्ड करेंगे, जिससे उसे घर वालों को हम लोग दिखा सकें, और डरने वाली बिल्कुल बात नहीं, उसको तुम पहले समझाने की कोशिश करो कि हम लोग अभी जो कर रहे हैं ना वो अभी गलत है, हम एक मुकाम पर आ चुके हैं लेकिन तुम्हारा भी बाकी है, तुमको भी स्ट्रगल करना है, जो तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे ख्वाब देखे हैं उनको पूरा करना है, तो उनके लिए पहले मेहनत करो, उसके बाद तुम हमसे भी अच्छी लड़की तुमको मिलेगी शादी करने के लिए, उसको ये सब बात समझाना, बाकी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे सपोर्ट में हम लोग खड़े रहेंगे, ठीक है? डरने वाली कोई बात नहीं, बस वो मान जाए। A few moments later. ये गायत्री माता कुछ कर दे, वो बस मान जाए। बढ़िया, आप बताओ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सोचा आज आपसे बात कर लूँ अपने फ्यूचर को लेके। ऑफिस नहीं गया आज? अब गई थी मैं ऑफिस, लेकिन मन नहीं लग रहा था, जो तुमने रात को बोला था वो सोच सोच के दिमाग समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, बहुत सर दर्द हो रहा, मतलब क्या करूँ क्या नहीं कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। तो तुमने मतलब क्या किस लिए इधर बुलाया, ऐसी बात बात करने के लिए या फिर कुछ और? हाँ हम दोनों के फ्यूचर को लेके बात करने के लिए मैंने आपको बुलाया। हाँ ये तुमने अच्छा किया, क्योंकि मैंने तो बता दिया तुम्हें अपना फ्यूचर, कि मैंने कल ही बता दिया तुमको रात को हमारा फ्यूचर, अब तुम बता दो। राहुल तुम पागल हो क्या, ये नहीं हो सकता यार। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता भाई, मैंने तुमको बता दिया ना राहुल, जो मेरा स्टेटस मालूम है ना क्या है? राहुल मुझे पता है, लेकिन जो थी गलती थी समझ के भूल जाओ,
अच्छा मतलब कि तुमने मेरा नंबर निकाला, तुमसे तुमने मुझसे बात किया, उसके बाद जब अगर मैं तुमसे प्यार करने लग गया फिर तुम कह रही भूल जाओ, ये क्या मतलब है? उसके लिए मैं तुम्हें माफी मांगती हूँ, मेरी गलती थी मैं मानती हूँ, लेकिन उसको हम सुधार तो सकते हैं ना। क्या गलती थी? मैं बोल तो रहा हूँ भाई, अब मैंने तुमको बोल दिया शादी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? राहुल तुम पागल हो क्या? हम शादी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो, वो मुझसे गलती थी कि मैंने तुम्हारा नंबर निकाला, मैं मानती हूँ। उम्र क्या है, उम्र क्या है, एज जस्ट अ नंबर है, उम्र कोई मायने नहीं रखती प्यार में। राहुल एक बात बताओ, कोई मायने नहीं रखती, मुझे मत सिखाओ आप। एक बात बताओ, एक गलती हो गई तो तुम क्या बार बार हम क्या गलती करते रहेंगे क्या? यार गलती क्या हो गई, गलती को सुधार तो रहे हैं, क्या गलती हो गई? हाँ मैंने गलती करी ना, तुम्हारा नंबर निकाल के मैं मान रही हूँ यार, मैं माफी मांग रही हूँ। मुझे प्यार हो गया ना तुमसे, फिर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यार प्यार यार कुछ नहीं, तुम भूल जाओ यार। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हम शादी कर लेते जाके। मेरा स्टेटस मालूम है ना, मेरे पापा प्रोफेसर है, ठीक है, पता है मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, तुमको मैं हर चीज तुम्हें दिला दूंगा, किसी चीज की तुम्हें कमी नहीं होगी, मुझे पता है। तुम समझ नहीं यार, पहले इधर बैठो, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम पहले सुनो, मैं कह रहा हूँ कि हम शादी कर लेते हैं ना यार, क्या हो गया? यार नहीं कर कुछ सकते, यार, तुम क्यों नहीं समझ रहे यार? तुम नहीं समझ रही यार, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हम नहीं कर सकते। हमारे बीच में क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं कर सकते यार। क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। पहले तुम बैठो, पहले मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार, मैं फिर यार, मैं तुमसे प्यार करता यार, प्लीज यार, तुम समझ नहीं रही, मैं तुमसे कह तो रहा हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, तुम मुझे टच मत करो यार, प्लीज यार, यार जो था भूल जाओ ना। मैं यार प्यार करता हूँ तुमसे यार, तुम जो बोलोगे मैं करूंगा यार तुम्हारे लिए। यार जो थी मेरी गलती थी, मेरी गलती थी यार राहुल, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? नहीं हो सकता। मैं प्लीज यार, क्या हो गया? अगर हम शादी कर लेते हैं, हमारे बीच में कुछ होता है, रिलेशन है, तो क्या हो गया? मेरे घर, मैं अपने घर पे भी बता दूंगा। मैं नहीं कर सकती यार, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हारी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो, नहीं हो सकता। कुछ नहीं होता यार, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। राहुल तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा क्या यार? नहीं आ रहा यार, प्लीज कर लो यार शादी, प्लीज। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती यार, क्या हो गया? मैं नहीं कर सकती यार, मैं अच्छा नहीं दिखता, पैसे नहीं है मुझ पे, क्या नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो, हम नहीं कर सकते हैं। जो था गलती थी, हम दोनों रिलेशन में नहीं आ सकते राहुल। क्यों नहीं आ सकते? नहीं हम आ सकते। तो गए हैं रिलेशन में, आ तो गए हैं। भूल जाओ सब, तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी। तुम चलो, तुम कहाँ ले जा रहे हो यार? मुझे नहीं करनी तुमसे शादी राहुल, मुझे कोई शादी नहीं करनी यार, प्लीज चलो ना यार, मुझे नहीं करनी राहुल शादी। तुम क्यों नहीं मान रहे हो यार? मैं तुमसे कब से, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ राहुल, जो हुआ मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो यार। क्यों दिमाग खराब कर रही हो तुम? जब तुम्हें एक बार मैं कह रहा हूँ शादी करनी है, मेरे पास क्या नहीं है? मैं अगर अपने बाप को एक बार बोल दूँ ना, तो 10 लड़कियाँ खड़ी कर देगा, ठीक है? लेकिन तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे पास है, मैं मानती हूँ, लेकिन राहुल हम नहीं कर सकते। ये मेरे साथ ड्रामा मत करो यार, ये मेरे साथ इमोशनली ब्लैकमेल मत करो मुझे। मैं पहले कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब आ रहा है गुस्सा, और मैं करता हूँ तुमसे प्यार, क्या दिक्कत है? पहले इधर बैठो, तुम पहले इधर बैठो, क्या हो गया है? क्या हो गया? क्यों नहीं कर राहुल, मैं नहीं कर सकती तुमसे प्यार। समझ में नहीं आ रहा? हाँ एक बार में समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा एक बार में, मैं तुमसे नहीं कर सकती यार। यार तुमने मुझे पहले फोन किया ना, तुमसे रिक्वेस्ट कर दो राहुल, मुझे फोन किया ना, क्या हो गया यार? मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो इतनी सी प्रॉब्लम में क्या हो गया तुम्हें? मेरा दिमाग भी तुम खराब कर रही हो इधर बुला के, मुझे लगा कुछ जो हमारे बीच में कल बात हुई है उसके बारे में तुमने सोचा होगा, तुम और दिमाग खराब कर रही हो मेरा। रोने वाला नाटक मत करो यार तुम मेरे सामने, क्या हो गया? रोने वाला नाटक वाटक मत करो मेरे सामने, ठीक है यार? तुम क्यों नहीं मान रहे हो यार? और क्या क्या रट लगा रखा है बच्चे का, क्या रट लगा रखा है? 18 साल का हूँ, 18 साल में कितने बच्चे पैदा कर दूंगा मैं, और कितने लोग कर भी देते हैं, ठीक है? हाँ मेरे साथ चल, शादी कर। क्या है बे, तुझे कब से समझ में नहीं आ रहा क्या? ज्यादा तेज चल रही है तू दिमाग खराब कर रहा है मेरा। मेरी यार से बात करो, समझ में नहीं आ रही। एक बात बता, मुझसे गलती हुई थी मैं मानती हूँ, तो तू क्या चाहता कि बार बार मैं गलती पे गलती करूँ क्या? गलती पे गलती क्या करूँ, प्यार करता हूँ मैं तुझसे। मारने का प्यार, कोई प्यार व्यार नहीं है मेरा, मुझे तुझसे कोई प्यार नहीं है। मेरा पिता छोड़ दे, मक्स दे मुझे, कब से समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। नहीं करनी मुझे तेरे से शादी,
नहीं करनी मुझे तेरे से शादी, शादी तो करनी पड़ेगी वरना मैं जान वान दे दूंगा अपनी, मैं जान तो वैसे ही दे दूंगा। हां मैं मुझसे गलती हुई मैं मानती हूं, लेकिन मैं उसको सुधारना चाहती हूं। जान दे दूंगा मैं, मेरे पास सब, मेरे पास प्रूफ है कि नंबर पहले फोन किसका आया, सब कुछ किसका हुआ, रिकॉर्डिंग। तो क्या मुझे ब्लैकमेल करेगा? ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मुझसे शादी कर। मैं नहीं, मुझे भाई देख, मैं मुझे प्यार से समझना। तू छोड़, क्या हो गया? हाथ मत लगा, हाथ मत लगानी, उंगली मत दिखा। पहले से कल जो तूने बात बोली उसे लेके मेरा दिमाग बहुत खराब है। जानती है ना मैं कौन हूँ? जानती है ना मैं कौन हूँ? तेरा होने वाला पति। तू मेरा कोई पति वति नहीं है, ना मुझे कोई शौक है, मुझे कोई शौक नहीं रहा। छोड़ ना, इधर बैठ। क्यों परेशान कर रहा है? बैठ के बात कर। बोल क्या हो गया? शादी नहीं? अबे यार शादी कर लेना, क्या दिक्कत है तुझे? नहीं करनी तेरे से शादी, एक मिनट लगा रखा है। गलती हो गई राहुल, मैं मानती हूँ, लेकिन तू क्यों नहीं समझ रहा है यार? शादी नहीं कर सकते हम, तेरे दिमाग में कुछ कीड़े है क्या? पागल हो गया क्या तू? पागल तू हो गई है, ठीक है? मैं नहीं कर सकती। रट लगा रखी है, बच्चा है, बच्चा है, 11th क्लास में है, 10th क्लास में है। देख राहुल, मैं तुझे अभी भी प्यार से बोल रही हूँ, तुझे मैं अभी भी प्यार से बोल रही हूँ। शादी कर ले, मुझे नहीं पता, मुझसे शादी कर ले, मैं कुछ नहीं जानता, वरना फिर मैं समझ ले, मैं जान वन दे दूंगा, मैं दे दूंगा भाई। मुझे तूने क्या ठान रखा है क्या मुझे मारने का? ना खुद जी रहा ना मुझे जीने दे रहा है। करूंगा भाई मैं से शादी कर ले, वरना फिर मैं, तू नहीं तो किसी को। यारो मेरे से शादी कर रही है कि नहीं? मैं बस तुझे इतना कहना चाह रहा हूँ, तू मुझसे शादी कर रही है कि नहीं, या तो मैं जाऊँ मरने। खाली तू हाथ दे दे, मैं फिर मैं चला जाऊंगा, मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। तू सच में राहुल पागल है क्या? मुझे कुछ नहीं मालूम, तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है और मुझे भी क्यों पागल है यार? तू हाथ दे रही कि मेरी बात सुन राहुल, मैं जान देने जा रहा हूँ, तू हाथ दे दे, मेरा दिमाग मत खराब कर, तू हाथ दे। देख राहुल मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ, तू भी अपनी जिंदगी जी और मुझे नहीं 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 देख, तू भी अपनी जिंदगी जी और मुझे भी अपनी जिंदगी। तू हाथ दे और चल रहे हम शादी करने, वरना मैं जान देने जा रहा हूँ, मैं सच में जान देने जा रहा हूँ, हाथ जल्दी दे यार। तो क्यों नहीं मान रहा? समझे कर, जल्दी दे यार, मेरा दिमाग, मैं कह रहा हूँ चल 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 चल, कोई नहीं, हम शादी करने चलते हैं। मैं तुझसे नहीं शादी कर सकती यार, मैं जा रहा हूँ फिर जान से। कहाँ जा रहा है भाई? कौन क्या हो गया भाई? तो अपने भाई समझ लो ना, पहले बताओ। छोटा भाई समझ लो, बड़ा भाई समझ लो, जैसे वो समझ लो, क्या दिक्कत है भाई? क्यों जबरदस्ती करो भाई? पहले ये बताओ एक बात भैया, एक बात बताओ, प्यार करते हो ना जिसे? हाँ भैया बिल्कुल। तो प्यार करते हो तो मरने से प्यार मिल जाएगा भैया? लेकिन प्यार तो करते ना, इन्होंने खुद से नंबर लिया, मेरी गलती है। इनसे कितने जूनियर लग रहे हो आप? आप बोल रहे थे सारा चीज सुन भी रहे थे, लेकिन भैया मैं, आपका एज 18 साल है, आपके मम्मी पापा आपसे कितने सपने देखे होंगे कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो ये बनेगा वो बनेगा। 32 साल उम्र है, कितना डिफरेंस है, साल दो साल का तो डिफरेंस है। ठीक है मान लो उनसे अनजाने में गलती हो गया, वो आपसे प्यार कर बैठी नंबर लेकर के कॉल सेंटर के माध्यम से, तो अब वो उनको जब पता चला है असलियत कि आप अभी पढ़ रहे हो, बालक हो, बच्चे हो, वो नहीं करना चाहते, इग्नोर कर रहे, तो आप उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करोगे भैया? लेकिन प्यार तो करते हैं ना भैया, प्यार की उम्र क्या होती है भैया? बाबू देखो सबसे पहले बात मेरा सुनो, प्यार हर चीज से होता है, एक बहन से भी होता है, एक बीवी से भी होता है, एक माँ से भी होता है, एक भाई से भी होता है, और एक दोस्त से भी प्यार, सबसे प्यार होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जान दे दे अगर वो नहीं चाहती है। अरे अच्छे खासे लड़के हो, अच्छे खासे घर से हो, पापा भी तुम्हारे प्रोफेसर है, वो बता रही थी, फिर भी तुम मरने के लिए, मरने वाले जानते हो कौन से आदमी काम करते हैं? बुजदिल लोग काम करते हैं। एक हम बात बोले, तुमको भगवान से शुक्र मनाओ कि ऐसी लड़की तुमको मिली थी प्यार करने वाली। जब इसको लगा कि हम गलत कर रहे हैं, अगर होता तो तुमको फंसा नहीं देती है, तुम कुछ नहीं कर पाते, अगर तुमके टॉर्चर है तुमको ब्लैकमेल करने लगती, तुमको ब्लैकमेल नहीं करने लगती, तुम्हारा वीडियो बना लेती गलत सलत, उसे तुमको ब्लैकमेल करने लगती, तो तुम कहाँ के रह जाते? तुमसे पैसे भी लेते तुम कुछ करने भी नहीं देती। लेकिन उसकी शराफत देखो, लेकिन इसको देखिए, अपने गलती सबके सामने बता रही है, हमारे सामने आई, हमसे पहले बताई भैया से बात है, उससे बात करो, उसको समझाओ, वो बच्चा है अभी, उसके मम्मी नहीं है घर पे, उसके फुआ है, उसके पापा प्रोफेसर है जो उसका देख रेख करते हैं, तू अभी क्या करने जा रहे हो? हर चीज बेटा मरने से नहीं मिलता है इस दुनिया में, हर चीज के लिए स्टॉल करना, इससे भी तुमको अच्छी लड़की मिलेगी। ये भी तो प्यार की थी ना तुमसे, एक बात बताओ तुम भाई, ये भी तो तुमसे प्यार की थी ना, जब ये भूल सकती है तो तुमको भूलने में क्या लगा है?
भैया प्यार ऐसा नहीं होता ना भैया, हम भी प्यार किए थे कभी। एक मिनट बाबू, कैसे होता है? तू रो मत, ठीक है ना? रोने से हर चीज नहीं मिलता है। हमारे तरफ देखो कैसे होता है प्यार, प्यार में क्या होता है? नहीं छूटता भैया, हम जानते हैं नहीं छूटता, अच्छी बात है, प्यार करना चाहिए। लेकिन कहाँ तुम 18 के हो, कहाँ 32 के, मैच नहीं करता है ना। कभी अपने पापा से बात किए हो इसके बारे में? नहीं किए हो ना, तो अपने पापा से बोलना, बताना कि पापा ऐसा ऐसा बात है, हमें एक लड़की से प्यार हो गया है, उसकी उम्र 32 साल है, मेरी 18 वर्ष है। क्या हम नहीं मानेंगे भैया? नहीं मानेंगे ना, वो जानते हैं कि ये गलत है, तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? अभी ढंग से तुम्हारा ये मोच जो है ये भी नहीं जमा है, उनकी 32 साल उम्र हो गई। इनसे गलती में उनके लगा कि हमारे एज का है, हमारे क्लासमेट का है। पढ़ रहे हो, ये सब मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, ये सब साल एक दो साल इधर उधर होता है ना, उसको आदमी मैनेज करके चलता है, लेकिन 10 साल 12 साल मैनेज नहीं कर सकता है। हम क्या कह रहे हैं वो समझ रहे हो? लेकिन मैंने तो प्यार किया है ना भैया। तो अनजाने में किए ना आप अंदर, आपने जिस समय प्यार आपको हुआ उस समय ना तो आपने इनका शकल देखा था, ना ही कद देखा था, ना ही उम्र देखा था, कोई चीज देखा था आपने? किसी चीज से मैचिंग हुआ था इनको? नहीं हुआ था ना बस। लेकिन प्यार तो बात से ही हो जाता है भैया। अरे यार प्यार 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 से पेट नहीं भरता है, आप समझ रहे हो ना भैया? मेरे पास पैसे है, मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ ही देने के लिए। देखो भैया, प्यार जो होता है ना उसका कोई कीमत नहीं होता है, वो पैसे से नहीं खरीद सकते हो आप प्यार। इज्जत और प्यार ही दो ऐसा चीज है जो पैसे से नहीं मिलता है, वो दिल में होता है, दिल से पैदा होता है। इसको हुआ था प्यार, लेकिन आपको देखकर अगर चाहती है ना तो आपसे शादी कर सकती है, बर्बाद आप होंगे। पढ़ रहे हो फिर भी देखो, आजकल लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को प्यार हो जाता है, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, कितने परसेंट तो सक्सेस हो पाता है? आप एक बात, तुमको इनसे शादी करना है, ये प्यार नहीं की थी? आप ही बता, एक बात बताओ आप, ये प्यार की थी कि नहीं आपसे? पहले स्टार्ट कौन किया था बताओ, कौन स्टार्ट किया था? फिर अभी तोड़ कौन रहा है? क्योंकि भैया मैं नहीं चाहती उसकी भी जिंदगी खराब हो और मेरी भी जिंदगी खराब हो, मैं दोनों की जिंदगी बचाना चाहती हूँ। प्यार जब दोनों तरफ से होता है ना, जब वो तुम्हारे लिए सोच सकती है अच्छा फला, तुमको भी सोचना फर्ज बनता है ना, कि तुम अब उसका फायदा उठाओ। अच्छे के लिए कैसे? जब दोनों अच्छा ही नहीं है, जब दोनों तरफ से बात बनती है ना, वो प्यार सक्सेसफुल होता है, समझो? उम्र का कुछ लिहाज करो हमारी भी। इस दुनिया में इसको कलयुग बोलते हैं भैया, ठीक है? इस दुनिया में ऐसी लड़की का होना अक्सर जा करके वहीं प्यार आगे चल के टूट जाता है, जो अनदेखा प्यार। अभी पढ़ाई करो, अभी आगे की तैयारी करो, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। मुझे भी जीने दो राहुल, ठीक है? उनको देखो, मान लो अनजाने में बिना तुमको देखे जाने सुने प्यार हो गया, उन्होंने प्यार किया तुमसे, लेकिन जब वो देखा, उनको लगा कि ये गलत है, ये तो मेरे छोटे भाई की उम्र के बराबर का है, तो उन्होंने खुद मना कर दिया तुम, लेकिन अब तुम उनको दबाव दे रहे हो, अच्छा बात नहीं बाबू। दोनों तरफ से जब होता है ना प्यार, तभी जाके वो आगे तक चल पाता है, वरना रास्ते में टूट जाता है। कह तो ठीक रहे, लेकिन भैया आप ही बताओ क्या करूँ? देखो अगर कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप इनको भूल जाओ भैया। मैं नहीं भूल सकता राहुल, मैं तुमसे भूलना पड़ेगा। और दूसरी चीज, ये जो मरने वरने का जो धमकी दे रहे हैं, बुजदिल लोग काम करते हैं, अगर ऐसा करोगे तो देखो हर चीज जो है ना, इधर ध्यान, हर चीज जो है ना मरने से नहीं मिलता है। प्यार एक ऐसा चीज है, अगर तुमसे प्यार करते हैं तुम्हारे दिल में भी इसके लिए जगह होना चाहिए। ये तुमसे प्यार करती थी लेकिन तुम्हारे अच्छाई के लिए तुमको छोड़ रही है। प्यार का मतलब, हाँ बताओ राहुल, तुम्हें एक बात बताऊँ मैं, प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि प्यार करते तो दोनों को शादी करके सारी जिंदगी साथ में रहना। प्यार हम कैसे भी कर सकते हैं, हम दोस्त बन के भी रह सकते हैं ना। मेरे पर दोस्त बन के तुमसे नहीं रहना। एक बात बताओ आप, लेकिन कृष्ण जी को जानते हो ना, सबसे ज्यादा प्यार किन से करते थे? शादी हुआ उनसे? नहीं ना हुआ, फिर भी प्यार करते थे कि नहीं? हो जब वो लोग अलग रह के भी प्यार कर सकते थे, तुम नहीं कर सकते हो? तुम भी प्यार कर सकते हो, तुम्हारे जो मम्मी पापा, मम्मी तो तुम्हारे है नहीं, पापा जो तुम्हारे जो सपने देख रहे हैं तुमको बनाने के लिए, जो दिन रात करो, वो मेहनत करके तुम में लगाते हैं अपने, तुम वो पहले वो हासिल करो, उसके बाद ये सब चक्कर में पड़ना, तुम्हारा मैच ही नहीं हो रहा है यार। लेकिन मैं फिर आगे क्या करूँ भैया? आगे के लिए बने, इसके अलावा कुछ ही नहीं है तुम्हारे लिए।
तुम्हारे कहने का मतलब यही ना है, आगे बहुत कुछ बचा हुआ है, समझ में नहीं आएगा ना फिर क्या करना है आगे मुझे। अगर सही प्यार करते हो ना, उसको सही सलामत देखना चाहते हो तो उसको भूल जाओ, ठीक है। सबसे प्यार का मतलब ये ही होता है, ध्यान दो अपना काम पर, ध्यान दो, बहुत लड़कियां तुम्हारी जिंदगी में आएगी और जाएगी अगर तुम सही रहोगे तो, ठीक है ना, जा सकते हो आप। देखो रोने वाली, इधर आओ, इधर आओ, और इधर देखो, आगे चल के कोई भी गलती करोगे ना तुम्हारा सारा रिकॉर्ड कैमरा में होगी, सब चीज हमारे पास प्रूफ है, हम तुम्हारे पापा को दिखा सकते हैं, लेकिन नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक तुम इसको भूल नहीं जाओगे। आगे कोई भी अगर हरकत करोगे, थैंक यू, कोई भी हरकत करोगे तो हम आपको पापा के भेज दे, ठीक है, जाओ। आपको लगता है दोबारा ऐसा करेगा? मुझे तो नहीं लगता, जहाँ तक आपने भी समझाया। चलो बस अच्छा रहेगा कि वो ना करे, अच्छा रहेगा कि वो ना करे, मैं भी वही चाहती हूँ कि ना करे, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। और हाँ मैं मानती हूँ मुझसे ही गलती हुई थी, लेकिन गलती तो आप ही से हुआ था, ये तो हाँ, सच्चाई है, वो तो मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई। अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, कोशिश कीजिएगा उससे संपर्क ना रखिए, हाँ। ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो अभी वो धीरे-धीरे भूल जाएगा। कोशिश कीजिए रूम जहाँ अभी लिए हो आप चेंज कर लो, थोड़ा सा अलग अलग नंबर भी चेंज कर लो, ताकि तभी क्योंकि परेशान नहीं, क्योंकि थोड़ा उसको लगा हो गया ना, थोड़ा बहुत लगाव तो रहेगा, दो तीन महीना भूल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप अच्छा से रहो। आपको थैंक यू, और आपको हमारे यहाँ आने के लिए थैंक यू कि आपने हमें उस लायक, क्योंकि ऐसे से लड़की जो है ना, लड़कों को पहले प्यार में फंसाती है, उसके बाद लूट लेती है बर्बाद, लेकिन आप उसमें का नहीं निकले, इसलिए थैंक यू आपको भी कि आप जो अभी आप बता रहे हो कि आपके ऐसे बाकी लोगों के साथ भी हुआ होगा, तो उनको भी एक मैसेज जाएगा, बाकी थैंक यू आपको, थैंक यू सो मच।